सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रफ एंड टफ राइडर इन ए टू जेड बाइक। और आज बी4 में एग्जॉस्ट लगाने वाले, वो भी रेप्लिका अपना जो एग्जॉस्ट आता है वो, और बैंड टाइप कौन सा लगा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें मेरे पास क्वालिटी जो है वो मैं दिखा दूंगा। इससे होता है कि आप फाइनली आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बैंड टाइप लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। और इम्पोर्टेड में और इंडियन में ज़्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि आपका जो क्वालिटी है ना थोड़ा इम्पोर्टेड में अच्छा मिल जाता है। जो मैं आपको बैंड टाइप का क्वालिटी दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो ये हमारा इम्पोर्टेड आ गया। इसके वेल्डिंग से लेके हर चीज़ का फिनिशिंग अच्छा आएगा आपका। और ये हमारा इंडियन हो गया। इंडियन में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा प्राइस कम है, लेकिन ये है कि आपका जो है ना फिनिशिंग में थोड़ा फर्क है। ये देख सकते हो ये भी हमारा बैक का आ गया, और फ्रंट का जो हमारा फिट हो चुका है ये भी कैटली कन्वर्टर वाला ही आ जाता है। कैटली कन्वर्टर ये लगा हुआ है। इसमें डबल सेंसर सिंगल सेंसर का भी ऑप्शन है हमारे पास। ये रहा एक सेंसर, और दूसरे सेंसर का आपके पास ऑप्शन है। जैसे आपका डबल सेंसर बाइक है तो डबल सेंसर लगा सकते हो। और फाइनली ये फिट होने के बाद बैंड टाइप हमारा कुछ ऐसा लुक आ जाता है, जो आपका बिल्कुल प्लग एंड प्ले सिस्टम है। जब दिल करे आप अपना कंपनी फिटिंग वाला जो एग्जॉस्ट होता है ना वो लगा सकते हो। ये देख सकते हो फिटमेंट बिल्कुल ओके ओके वाली आएगी, कोई नीचे नहीं लटक रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब प्लग एंड प्ले सिस्टम आ जाता है। और स्टॉक एग्जॉस्ट की बात करें तो ये देख सकते हो स्टॉक एग्जॉस्ट हमने हटा दिया है। ये हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट है, ये हटा के फिर हमने पूरा फाइनल अपना जो पूरा फुल सिस्टम हम लगा रहे हैं। और ये रेपली का सारे एग्जॉस्ट है हमारे पास, ये देख सकते हो। वैसे तो एग्जॉस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो है ना रेपली का एग्जॉस्ट आपको इतना दिखा देता हूं, इसी का मैं साउंड सुना दूंगा। जैसे ये हमारा एससी प्रोजेक्ट आ गया रेपली का, इसका आप साउंड सुन लो। पहले तो बैंड बिना बैंड टाइप का, जैसे बिना एग्जॉस्ट का मैं साउंड सुना दूँ आपको। काफ़ी लाउड हो जाता है आपका, और इसका आप सुन लो पहले, फिर नेक्स्ट में और भी हैं सारे मैं इसको बता दूंगा, फिर आप सुन लो। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो एकरा पूरी का मैं सुना दूँ रेपली का, जो कार्बन फिनिश के अंदर है, जो मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। ये आपका बिना डीवी कलर का साउंड सुन लो पहले। और इसका डीवी कलर जो आता है ये देख सकते हो, डीवी कलर ऐसे लगने के बाद साउंड कम हो जाता है आपका। सो गाइस नेक्स्ट हमारा एक रेपली, इसका भी साउंड सुन लो। इसका भी साउंड बहुत ही अच्छा है, लेकिन लुक भी बहुत ही प्यारा भी है इसका भी। नेक्स्ट हमारा आ गया एकरा पोविक, ये भी सुन लो रेपली का। और नेक्स्ट हमारा गया लिविंसी रेपली, इसका भी साउंड सुन लो आप। इसका भी लुक बहुत प्यारा आता है, लेकिन साउंड भी बहुत अच्छा है इसका भी। सो ये सारे एग्जॉस्ट का मैंने साउंड सुना है, देखते हैं फाइनल कौन सा होता है। फिर फाइनल होने के बाद तो मैं एक बार दिखाऊंगा कि क्या क्या मॉडिफाइड कैसे किया हमने। सो ये अपनी बी4 हो गई है पूरी कंप्लीट, जो मैं आपको दिखा दूँगा क्या क्या मॉडिफाइड किया और कैसे। जैसे फिटमेंट के बाद बिल्कुल जेन्युइन लुक जो होता है ना वो हो चुका है। और इसके साथ हमने क्रैश गार्ड, रेडिएटर गार्ड और प्लस छोटा मोटा जो था मॉडिफाइड का वो हमने कर लिया, वो मैं आपको फाइनली दिखा देता हूँ। पहले तो एग्जॉस्ट की बात करें, ये एग्जॉस्ट हमारी फुल सिस्टम आ जाता है, जो हेडर के साथ पूरा कम्प्लीटली आ जाता है। सेंसर वगैरह पूरा आपको कंपनी फिटिंग है, और लुक देख सकते हो बेहतरीन आपका, एकदम बिल्कुल लग नहीं रहा है कि आपने अलग से एग्जॉस्ट लगवाया जैसे आफ्टर मार्केट। और इसमें डीबी किलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कम ज़्यादा आवाज़ करने का, वो तो मैं आपको चेक करा दूंगा एक बार। ये और हमने लगाया इसमें आपका जो देख सकते हो ADB क्रैश गार्ड बोलते हैं, जो ये तो ऐसे ब्लैक ही आता है, वैसे गोल्डन कलर का हमने टेप लगा के इसको गोल्डन कर दिया है। और फिटमेंट की बात करें तो फिटिंग हमारा एक यहाँ आ जाता है, दूसरा हमारा एक यहाँ आ जाता है, और तीसरा आपका जो नीचे इंजन के साइडों से है ना रॉड गया हुआ, उसमें फिटमेंट पूरा हो गया हुआ और काफ़ी हेवी हो जाता है। जैसे गिरने पे हमारी बाइक बिल्कुल सेफ रहता है इससे, और चाहो तो लंबे रूट पे जा रहे हो तो इस पर पैर भी रख सकते हो आप। और बबल वाइज़र भी हमने लगाया, देख सकते हो नेक्स्ट आइटम जो है बबल वाइज़र, जो ये भी प्लग एंड प्ले सिस्टम है, 3 नट खोलो और आपका ये लग जाता है। विंगलेट भी लगाया है, जो ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है, एक यहाँ पर आपका स्क्रू है, दूसरा यहाँ स्क्रू है,
ये नट बोल्ट आपको एकदम कंपनी फिटिंग वाला आपका विंगलेट है। और नेक्स्ट आइटम हमने इसमें रेडिएटर गार्ड भी लगाया, जो हमारा रेडिएटर देख सकते हो मिट्टी से पूरा भरा हुआ था, अब ये है कि कीचड़ वगैरह इस पर नहीं जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सेफ रखता है रेडिएटर। ये रेडिएटर गार्ड भी हमने लगाया है, देख सकते हो आप। अब फाइनली अब आपको जो मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ, पहले तो बिना डीबी किलर का आप सुन लो, फिर उसके बाद डीबी किलर लगाने के बाद मैं साउंड सुना देता हूँ आपको। तो भाई जो इसका डीबी किलर ये आता है, देख सकते हो। और फाइनली अब ये डीबी किलर हमारा कुछ ऐसे लग जाता है, और इसका साउंड आप सुन लो कि कैसा साउंड है अब डीबी किलर लगने के बाद। और इसका जो है डीबी किलर के साथ इसका नट है, जो आपको नट भी है, लिंकी भी है, आप चाहो तो अपना लगा सकते हो और चाहो तो हटा सकते हो। तो ये जो एग्जॉस्ट हमने लगाया है, देख सकते हो आप एग्जॉस्ट। और भी चीज़ इसका मॉडिफाइड आइटम देखना है, जैसे आपका इसका लीवर हो गया, लीवर गार्ड हो गया, चाहे आपका जो पीछे का टेल टाइडी वगैरह, A to Z जितने भी मॉडिफाइड आइटम चाहिए हमारे चैनल पर चेकआउट करके फुल वीडियो देख सकते हो, सारे डले हुए हैं। वैसे ये एग्जॉस्ट का हो गया फाइनली। और शॉप पे आना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक डाला हुआ, प्राइस वगैरह पूछना तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा होगा, प्राइस वगैरह भी पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड के साथ। बाय बाय।